बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है खैरियत से होंगे। चलें जी, आज की वीडियो भी बेसिकली हमारी एक क्वेश्चन के ऊपर है कि हाउ टू गेट इंडक्टेड इन अ फॉर्म। तो एक फर्म के अंदर आपने इंडक्ट कैसे होना। बेसिकली देखो बेटा, सोशल मीडियाज़ के ऊपर हमारे इश्यूज चल रहे होते हैं, आपके कमेंट्स भी आ रहे होते हैं, इस तरह सोशल मीडिया भी हम देख रहे होते हैं, तो उसी हवाले से चीज़ों को साथ साथ जो है आपको आंसर भी किया जाता है। तो लिहाजा काफ़ी टाइम से पहले एक क्वेश्चन शुरू में जो था वो ये रेज हो रहा था कि कौन सा डिपार्टमेंट बेहतर है, टैक्स एडवाइजरी या ऑडिट डिपार्टमेंट बेहतर है। तो उसके ऊपर हमने एक वीडियो अब अपलोड कर ली है, जो पिछली वीडियो हमारी उसके ऊपर अपलोड हो गई है। हाँ, उसमें थोड़ा सा कैमरा एंगल वगैरह का इशू रहा है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये नहीं होगा। ओके, तो आज हम जिस क्वेश्चन को आंसर करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन है कि सर फर्म में कैसे इंडक्ट हुआ जाए। मतलब काफ़ी स्टूडेंट है वो कह रहे हैं जी मेरा एफटीएस 23 है, एफटीएस 25 है, एफटीएस 20 है, और मैंने तकरीबन तमाम फर्म्स में अप्लाई किया हुआ है, मुझे कहीं से कॉल भी नहीं आई, इंटरव्यू भी नहीं आया। तो हम इसके ऊपर पहले बड़ी डिटेल में गपशप कर चुके हैं, लेकिन बहरहाल आज हम कुछ तरीकाकार के ऊपर देखते हैं कि जो हम बेसिकली यूज़ किया करते थे और एक इफ़ेक्टिव तरीकाकार है। क्यों, हम जब सी ए में थे तो 8-9 दोस्त जो थे वो इकट्ठे थे, और हमने तकरीबन कैफ भी आगे पीछे क्वालिफाई किया, और हमने तकरीबन सेम ही स्ट्रेटजी अपनाई थी। तो उसके बाद हम सब की तकरीबन सेम टाइम पे ही आर्टिकल हो गई थी, टाइम वेस्ट नहीं हुआ था। तो चलते हैं, आज थोड़ा सा इसी ही बात को डिस्कस करना है कि आपने फर्म के अंदर इंडक्ट कैसे होना है। बहरहाल ये भी एक थोड़ी सी आर्ट है। अच्छा बेटा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने डिसाइड करना है कि आप किस शहर में आर्टिकल करना चाहते हो। सबसे पहला चीज़ जो है, आप लाहौर में करना चाहते हो, कराची में करना चाहते हो, फैसलाबाद वगैरह वहाँ पर भी फर्म्स मौजूद हैं, लेकिन मेजर एरियाज़ जो हैं वो लाहौर, कराची, ये दो एरिया हैं, या इस्लामाबाद आप कह सकते हो किसी हद तक हैं। आपने सबसे पहले ये एरिया डिसाइड करना, और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, अब आपने अपनी अटैम्प्ट को एनालाइज करना है कि भाई आपकी अपनी अटैम्प्ट कितनी हैं। देखो बच्चे, क्या अटैम्प्ट मैटर करती हैं जी? बिल्कुल मैटर करती हैं, लेकिन और चीज़ें जो हैं साथ में वो भी मैटर करती हैं। जो अटैम्प्ट होती हैं वो सोल फैक्टर सिर्फ वहाँ पे होता है जहाँ पे ऑटोमेटेड इंडक्शन प्रोसेस होता है, मतलब जहाँ पे उनकी आपने पोर्टल के ज़रिए जो है वो अपनी सीवीज़ वगैरह जमा करानी होती है। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन होती है, आपकी अटैम्प्ट उससे ज़्यादा है या एफटीएस उससे पुराना है, तो भैया आप सीवी ही नहीं सबमिट कर सकते। अगला स्टेप तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन अगला स्टेप फिर भी पॉसिबल होता है, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। अपनी अटैम्प्ट एनालाइज करें और उसके बाद देखेंगे क्या भाई आपको उम्मीद क्या रखनी चाहिए, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। बिग फोर, टॉप 10, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, ये क्यों सीआर रेटेड फॉर्म। तो फिर उसके बाद आप अपनी प्रायोरिटी सेट करें और देखें कि आप कहाँ पे जा सकते हैं। देखो, चाहते हैं ये एक आप कह सकते हैं आइडियलिस्टिक अप्रोच है, हम आइडियलाइज कर लेते हैं कि जी हमने इस फर्म के अंदर जाना है, लेकिन कहाँ पे आप जा सकते हैं ये आपकी रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन योर नंबर ऑफ अटैम्प्ट। कि आप अपनी अटैम्प्ट को खुद एनालाइज करो, खुद जज बनो, ओवर ऑप्टिमिस्टिक भी ना हो और पैसिमिस्टिक भी ना हो जाए ज़्यादा। तो लिहाजा आप उसके बाद अपनी अटैम्प्ट एनालाइज करें, और उसके बाद बच्चे जिस थ्रेशोल्ड में आप फॉल करते हैं, मतलब आप अगर टॉप बिग फोर वाले कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं, मतलब आप 3 अटैम्प्टर, 4 अटैम्प्टर या 5 अटैम्प्टर कह सकते हैं, इस हद तक हैं, तो आपने फिर ये नहीं करना कि जस्ट बिग फोर में अप्लाई कर दें। बिग फोर, अब 4 अटैम्प्टर भी बहुत ज़्यादा है, 3 अटैम्प्टर भी तो अब लाइन लगी पड़ी होती है। तो लिहाजा आपने जस्ट ये नहीं करना कि बिग फोर में अप्लाई कर दो और सुकून से बैठ जाओ, नहीं, आप बिग फोर प्लस कैटेगरी ए फॉर्म जो है उनकी सीवीज़ निकालें, उनकी लिस्ट निकालें। लिस्ट आपको आएगी आपकी वेबसाइट से मिल जाएगी, सिटी वाइज भी मिल जाएगी, कैटेगरी वाइज भी मिल जाएगी, और अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में भी मिल जाएगी। आप वहाँ से सिटी वाइज जो है वो एक लिस्ट निकालें, उनके एड्रेस भी दिए, फ़ोन नंबर भी दिए, ई मेल एड्रेस भी वहाँ पर मौजूद है, और फॉर्म का नेम भी मौजूद होता है, ठीक है। उसके बाद जनाब आपने क्या करना है कि आप अपनी एक कैटेगरी वाइज लिस्ट निकाल लें, अगर उससे ज़्यादा है तो आप कैटेगरी ए और बी की लिस्ट निकाल लें, और अगर उससे थोड़ी सी ज़्यादा अटैम्प्ट है तो फिर आप ए बी सी निकालें, और उससे भी ज़्यादा है तो भैया आप कम अज़ कम क्यू सी आर रेटेड फॉर्म की लिस्ट निकालें, जिसके अंदर सी कैटेगरीज या उससे बाहर वाली, लेकिन क्यू सी आर फॉर्म होना ज़रूरी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम इसके ऊपर फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बच्चे ये इनफ नहीं है कि अगर किसी की आपको पोस्ट नज़र आई है सोशल मीडिया पर जी हमें ट्रेनिंग चाहिए तो अपनी सी वी ई मेल कर दो तो आप ई मेल कर देंगे, ये इनफ नहीं है। बेहतर तरीका क्या है कि आप वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप लिस्ट निकालें सारी फर्म्स की जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, जो आपकी एक आप कह सकते हैं आपने अपनी एक थ्रेशोल्ड मेंटेन किया है कि जी इस कैटेगरी फर्म से लेके इस कैटेगरी वाले तक मैं फॉल कर जाऊँगा। आप वो लिस्ट निकालें, लिस्ट निकालने के बाद आप उनके एड्रेसेस निकालें, सबसे पहले सीवीज अपनी उनको ईमेल कर दें, सेकेंड नंबर पर आप ऑफिस टू ऑफिस विजिट करके फिजिकली सीवी ड्रॉप करें,
कुछ फर्म्स हैं वो कहती हैं जी हम इस चीज़ को अलाउ नहीं करते कि फिज़िकली सीवी लें, लेकिन अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो आपकी सीवी ले लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और देखो बेटा, इसमें शर्माने वाली बात नहीं है यार, ये आप भी ये जो अगली स्टेज है ना फॉर्म वाली, इसमें शर्माना ना आप इस तरह उतार के साइड पर रख दो। देखो यार, इतनी अटैम्प्ट ये में लग चुकी हैं, शर्म तो हमारी वैसे ख़त्म हो जानी चाहिए, ठीक है। ये एक प्रोफेशनल आप इसको कह सकते हैं, शर्म ये नहीं होनी चाहिए, ये एक प्रोफेशनलिज्म है। आपको कम्पीट करना है मार्केट में, आपको छीनना है, अपना राइट छीनना है, अपनी जगह बनानी है, तो लिहाजा ये चीज़ नहीं करनी। आप डोर टू डोर मूव करें। अगर आपको कहीं पे सिर्फ गेट कीपर ही कह देते ना भाई हम सीवीज नहीं लेते, उन्हें कहते यार तू ये अपनी जेब में तो रख ले, यार ये भी आपको एक्सपीरियंस देगी, ये भी आपकी ग्रूमिंग करेगी। क्या उसे कहो भाई तू अपनी जेब में रख लेना, बस अंदर भी देनी अपने पास तो रख लेना, मेरे से ले ले, ठीक है। आप ऑफिस टू ऑफिस मूव करें, ठीक है। उसके बाद आपने नोट करना है कि हर ऑफिस में से आपको रिस्पांस क्या मिल रहा है। आपको वहीं रिस्पांस से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या इनको बंदे चाहिए या नहीं चाहिए। फर्स्ट रिस्पॉन्स से ही अंदाज़ा हो जाता है। अगर देखो कि आपको बाहर से ही भेज दिया गया है, बाहर से ही निकाल दिया गया, तो मतलब इसका ये है कि भाई यहाँ पे दाल गलना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन किसी फर्म में आपको सुपरवाइज़र ने अटेंड किया है या आपको किसी मैनेजर ने अटेंड किया और उसने आपसे सीवी लिया, मीन वाइज उसने दो चार आपके काफ़ी क्वेश्चन भी किया, मतलब मैं अगर मैं बात करूँ अगर मुझे कोई स्टूडेंट रखना है तो स्टूडेंट जब आएगा उसकी सीवी मैं खुद लूँगा, मैं किसी ट्रेनिंग को नहीं कहूँगा इसकी सीवी लेके रख लो, या मैं अपने फ्रंट डेस्क वाले को नहीं कहूँगा कि उसकी सीवी लेके रख लो। क्यों, मुझे बंदा चाहिए, मैंने उसे वेटिंग लिस्ट पर थोड़ी डालना है, मुझे तो वो चाहिए ना एज अ ट्रेनी, तो उसे मैं खुद बुलाता हूँ, बैठ के दो चार क्वेश्चन उसको मैं इनफॉर्मली पूछ भी लेता हूँ। तो इससे आपको अंदाजा होगा कि हाँ भाई चांस है या नहीं है। उसके बाद आपने जब घर जाना है तो फिर ये नहीं कि ठंड माहौल डाल के बैठ जाओ, नहीं, फिर आप फॉलो अप करें, फिर आप फ़ोन पे उनसे पूछें, आप बल्कि वहाँ फर्म से निकलते वक्त कॉन्टैक्ट नंबर लें उनका, आप जो उनका रिसेप्शनिस्ट होता है या रिसेप्शनिस्ट बैठी हैं जो भी है उसका आप कॉन्टैक्ट नंबर लें ताकि आप उनसे फॉलो अप करें। और फॉलो अप मस्ट करना है आपने, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो फर्म को बेसिकली शो कराती है। देखो बच्चे, हम एक स्टूडेंट रख रहे होते हैं, जब इनिशियल लेवल पे हम एक स्टूडेंट रख लेते हैं ना, हमें उसके नॉलेज से कोई लेना देना नहीं होता, मतलब उसका नॉलेज हमारे बहरहाल वो किसी काम का नहीं होता। प्रैक्टिकली चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं। हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी कमिटमेंट, ये ना हो कि भाई लेके आए ज़बरदस्ती लेके आए, महीना यहाँ पे रहे, उसके बाद उसको किसी और फर्म से ऑफर आए और वो दो महीने बाद छोड़ के चला जाए, हमारा सीखा सिखाया सारा पानी में गया, ये नहीं होना चाहिए। सबसे पहले उनको कमिटमेंट चाहिए होती है। और दूसरे नंबर पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपकी अप्रोच, कि आपकी अप्रोच क्या है, आप चीज़ें सीखते कितनी जल्दी हो, कितनी जल्दी पिक करते हो, बाकी सारा कुछ हमने खुद ही सिखाना होता है आपको। तो लिहाजा आपने फॉलो अप करके अपनी कमिटमेंट शो करानी है, मतलब हमें भी, हमें फ्रंट डेस्क वाले बताते हैं कि सर फलाने की कॉल आई थी, फलाना बार बार पूछ रहा है, जी बताएं उसको हमने क्या जवाब देना है। तो लिहाजा ये चीज़ें जहन में रखते हुए आपने फॉलो अप करना है कंसिस्टेंटली। तो लिहाजा कम अज़ कम 20 फर्म्स के अंदर आप अपनी सीवी ड्रॉप करनी है, ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो के भी, जो आपकी टॉप हायरार्की है जहाँ तक आप जाना चाहते हैं सोच रखते हैं वहाँ पे भी सीवी ड्रॉप करें, और उससे नीचे भी एक दो कैटेगरीज में सीवी ड्रॉप करें, और कम अज़ कम QCR रेटेड होना ज़रूरी है। एट द एंड बचे जो कुछ मर्जी हो जाए, अपने टाइम नहीं वेस्ट करना, 6 महीने की वर्थ जो है उससे बढ़ के कोई चीज़ आपके लॉस को कंपनसेट नहीं कर सकती। आप टाइम वेस्ट ना कीजिएगा, जो सी फॉर्म मिलती है अगर QCR रेटेड है आप जाएँ, अल्लाह का नाम लेके जाएँ, मेहनत करें, आप अपना काम सीखें, एंड इंशाल्लाह आप सक्सीड भी होंगे वहाँ पे और आपको वो जगह मिलेगी जो आपकी लिखी हुई है। तो लिहाजा आपके हाथ में क्या है भैया, आपने नमक हलाली करनी है, मेहनत करनी है, एफर्ट करनी है, अल्लाह ताला जो है वो आपको उसका अजर दे देगा, ठीक हो गया। तो लिहाजा इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, यूट्यूब चैनल को मस्त सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी भी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़मान में रखे बेटा, अल्लाह हाफिज़।